जा रहे अंदर। सर वन सेल्फी प्लीज। यस सर सेल्फी। आगे क्यों जा रहे हो? बात हो कॉइन गया नहीं जब इसके अंदर ज़्यादा व्यक्ति लगे और दोनों के साथ
तुम लोग कैमरे में आगे आ रहे हो। अरे थैंक यू जानिए मेरा ना बस ना उतना ही Thank you.
चेक करना थोड़ा बाजार पीछे ला रहे सर, वो पास जाना थोड़ा। थैंक यू सर। आमिर सर, आपको अच्छा लगा?
क्या क्या बोलने का कैमरे में? अरे ना भाई, वो शॉट थोड़ी ना चलेगा। हेलो, कैसे हो आप लोग? कैसे बजे वाला? 6 बज गया? ऐसे चलो तो बज जाएगा। मीठा पानी को अभी आएगा ऑर्डर। लेफ्ट में कुछ इमोशनल नहीं है, मम्मी रोज होती है, मैं क्यों इमोशनल होऊंगा। और जहाँ तक बच्चों का, तो इमोशनली बहुत ही फन डे है, और अगर ये दिख नहीं रही है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा है। बेटर है तो आई थिंक इमोशनल डे नहीं है, बहुत ही फन डे है, और बहुत ही एक्साइटिंग तरीका है डे स्पेंड करने का। मेरा प्लान था पहले भी कि हम ऐसे कुछ एक्टिविटी करें, और आई एम ग्लैड दैट वी आर गेटिंग अ चांस कि हम सब लोग मिलकर बहुत अच्छा यम खाना खा रहे हैं। महाराजा बोर्ड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आपने कोलैबोरेट किया है, एंड आई एम रियली टेलिंग यू गुड कर्मा ब्रो, वेरी नाइस। कितना आप इन्वॉल्व रहते हैं सोशल मीडिया में, या उनके साथ खेलना कूदना? देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, इतना टाइम मैं स्पेंड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, और मैं नहीं बोलूँगा कि मैं मिलने जाता हूँ रोज़ या नहीं। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम एज माई एसोसिएशन, इट्स कॉल्ड लॉस्ट बॉय वेलफेयर एसोसिएशन, वी ट्राई टू हेल्प एज मच एज वी कैन, एंड येस आई लाइक टू स्पेंड टाइम, एंड इट इज़ ऑलवेज गुड टू स्पेंड टाइम विद पॉजिटिविटी और बच्चों के साथ, बहुत मज़ा आता है। मेरा रीज़न उनको बाहर लाने का एक ही था कि इंस्टेड ऑफ जस्ट ईटिंग एट इन द ऑर्फनेज, बाहर आएंगे, दुनिया देखेंगे, सपने देखना सीखेंगे। जब सपने देखना सीखेंगे तो सपने पूरा करने लगेंगे, और बहुत सीक्रेट रूल है, अगर आपने सीक्रेट पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि जब आप सपने देखते हैं, जब आप विजन करते हैं, तो पूरी कायनात, फुल यूनिवर्स आपकी हेल्प करती है। तो आई होप द किड्स लर्न टू ड्रीम and their dreams will be fulfilled. बच्चों को खाना खिलाना चाहिए, ये आइडिया कहाँ, किस चीज़ ने इंस्पायर किया आपको खाना? यार, मेरी माँ मुझे खाना खिलाती है, और सिंपल चीज़ है, बच्चों को तो खाना खिलाना ही चाहिए, उसका कोई इंस्पिरेशन कहीं से नहीं है, वो तो एक बहुत बेसिक चीज़ है। द इंस्पिरेशन ऑफ गेटिंग देम आउट, बाहर निकाल के यहाँ ला कर दोनों के बीच में खाना खिलाना का आइडिया मुझे आया फ्रॉम द बुक सीक्रेट। उस सीक्रेट में कहते हैं, जब आप सपने देखते हो तो आपको सपने पूरे करने के लिए सारी कायनात आती है आपको हेल्प करने के लिए। मैं स्मॉल टाउन बॉय रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मेरी हमारी अपब्रिंगिंग बहुत ही नॉर्मल रही है, एवरेज, गोली और अंशुमन दोनों की,
तो जब तक हमने सपने नहीं देखे होते तब तक हम बाहर नहीं आ पाते, तब तक ये चीज़ें पूरी नहीं होती। तो जब बच्चे बचपन से ये चीज़ें देखेंगे, बोलेंगे कि ऐसी प्लेट्स अवेलेबल हैं, ऐसा खाना अवेलेबल है, तो उनका खाने का मन करेगा। जब खाने का मन करेगा तो ऐसे काम करेंगे जिसके लिए वो आगे बढ़ पाएंगे, और उसी तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं। आपको दूसरों को सपना दिखाना अच्छी बात होती है। मेरा सामने बच्चों से भी कोऑर्डिनेट किया बातचीत की, क्या कुछ बातें थी बातचीत में, क्या उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए। या आज इतनी बातचीत नहीं हुई, आज मैं सीधे डायरेक्टली कुछ काम खत्म करके यहाँ पहुँच रहा हूँ, तो सीधे हम खाना ही खा रहे हैं। कुछ बच्चे नए हैं जिनको मैं नहीं जानता, उनके नाम पूछ रहा हूँ, पता कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगा तो अच्छे से बात कर पाऊँगा। मम्मी भी साथ में है तो उनको आप वक्त दे पाते हैं मोस्टली? यार मैं जब वक्त नहीं देता तो मेरे घर मेरे कमरे में घुस जाती हैं अपने आप ही, तो फिर आई थिंक वो तो नॉर्मल है। पर मैंने जैसे मैंने प्रॉमिस किया था मैं ज़्यादा वक्त दूंगा मम्मी को, तो अब मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। एब्सोल्युटली, दिस इज़ वन ऑफ आवर फर्स्ट ऑफिशियली जो हमने बाहर जाके ऐसी एक्टिविटी करी है। अब हम बहुत ज़्यादा करेंगे और भी चीज़ें करेंगे, पर सब डिपेंड करता है जितना टाइम हम दे पाते हैं, पर जितना हम कर सकते हैं उतना करने की पूरी कोशिश करेंगे। पंच बीट इज़ फॉर किड्स अगेन, इट्स अ चिल्ड्रंस शो, इट्स अ टीनेजर्स शो, और हम लोग शूट पे जा रहे हैं देहरादून। अभी कुछ दिन का शूट अभी शेड्यूल खत्म हुआ है बॉम्बे का, तो आई थिंक इट्स गोइंग बी एक्साइटिंग, एवरीवन इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्रोजेक्ट। प्रियंका आपके साथ रह भी चुके हैं, वो भी वेब सीरीज में, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपके साथ, क्या कुछ कॉन्फ्रेंस? प्रियंकी क्या, एवरी अदर एक्टर हु इज़ इन द शो, वेदर इट्स हर्षिता, वेदर इट्स सिद्धार्थ शर्मा, निखिल भामरी, ऑल ऑफ दोज आर वेरी वेरी गुड एक्टर्स, एंड आई एम वेरी होपिंग कि बहुत अपनी मेहनत करेंगे और हार्डवर्क लगा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल सबको बहुत एंटरटेन करेंगे। सो एक तो प्रोड्यूस कर रही है, तो एक तो मैम की मूवी भी आ रही है मेरे वेडिंग, उसके लिए क्या कुछ, कितना एक्साइटेड हैं आप? यार हमारी फिल्म है, हम एक्साइटेड तो होंगे क्योंकि इट्स सो एक्साइटिंग टू सी द काइंड ऑफ कॉन्टेंट दैट्स कमिंग आउट ऑफ बालाजी हाउस राइट नाउ, एंड सच अमेजिंग थिंग्स आर हैपनिंग। वी आर द वेडिंग इज गोइंग टू बी वन वेरी वेरी एक्साइटिंग फिल्म, सब लोग जाएंगे देखने के लिए, बिकॉज लड़कियों का बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें, तो मज़ा आएगा देखने में। यार मैं यही कहना चाहूँगा, हाँ परेशान कर देते हो कभी कभी, बुरा लगता है, फिर आप भूल जाते हो, फिर आप कुछ बोल देते हो, तो आई जस्ट फील दैट आई होप ट्रोलर्स आपकी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस आए कि आप किसी को दुखी ना दे पाए, सिंपल। आखिर में अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू एंड लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर ऑलवेज बींग देयर, इफ़ आई मेक मिस्टेक करेक्ट मी इट्स फाइन, बट ऑलवेज बी देयर बिकॉज आई लव द लव यू पीपल, थैंक यू। मैम आप कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि विकास जो काम कर रहा है, मेरा प्यारा गुजपू, जो मैं नहीं लाइव में कर पाई, वो बहुत अच्छे काम कर रहा है, लोगों की सहायता कर रहा है, और आज भगवान ने उसको लायक बनाया है तो वो सब कुछ कर पा रहा है, और ज़्यादा ऊपर लाइव में जाए, जो और गरीब बच्चों की शादी कराए और मदद करे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं विकास बहुत मतलब अच्छा इंसान है, जो दुनिया के लिए जीता वो हमारा बहुत प्यारा बेटा है, मुझे इससे बहुत प्यार है और मुझे अच्छा लग रहा है, वो चाहे मेरे से कम मिले लेकिन इतना ही दुनिया को प्यार दे तो मुझे दे दिया उसने, ऐसा मुझे लगता है मेरा जी। अरे पीछे क्या हुआ, आगे जा रहा है, संभाल के नहा जाता हो गया सर। अरमान ने तो रोजा लग जाएगा। तुझे रोजा लग रहा है? रोजा भी है तो? बाकी